लाजवाब गाजर की बर्फी मैं आपका तरीका से बनाई हूँ, तो थाने जरूर पसंद आवे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। तो चलिए शुरू करते हैं। राम जी, राधे की रसोई में थारा स्वागत है। गाजर है कसी हुई लगभग आधा किलो, वो 250 ग्राम माओ हैं, और ये थोड़ा सा नारियल को बुरा दो हैं, और सिक्या हुआ तिल है, और इतनी ही मैं सूजी ली हूँ, या सूजी कच्ची है, मैं इन कढ़ाई में घेर के खाली इन्हें भून लूंगी। अपनी सूजी सिक्के तैयार है, इन्हें निकाल ले रहे हैं आपका, और ये कढ़ाई में घी डालूंगी, और घी डाल कर गाजर फेंक दूंगी। एक से 1.5-2 चम्मच में इन्हें बड़ी वाली घी की डाल के गाजर फेंक दूंगी। वो घी गर्म हो गया है, और गाजर आपका पूरी सेका में थोड़ी देर 5 से 7 मिनट लगातार सेकेंगे। फिर 5 से 7 मिनट में गाजर सेक कर तैयार करूँगी, उसके बाद आगे बताऊँ खाली किस तरह। तो फिर हमारी ये सादा सीखा रेसिपी जरूर बनाया करो, देखा करो, और लाइक और शेयर करा करो। बढ़िया से सीखेंगे तो इनके कलर आओगे सीखने के बाद। नरम पड़ गए हैं एकदम, दिखा लगे हैं घी छोड़ने लगे हैं एकदम। अब आप ही मिलाओगे, जो माओ मैं निकाल के रख रखी हूँ वो माओ में अंदर डाल देंगे। माओ डालने के बाद में मैं फिर से चलाऊंगी, उसके बाद में सूजी ऐड करूँगी। माओ पूरा मिक्स हो चुके हैं, अब आप ही मैं सूजी डालूंगी, सूजी डाल के पूरा मिक्स कर दो। और फिर चाहो तो अभी मैं चीनी डाल के और दूध डालोगे थोड़ा सा, तो अपना आप चाशनी तैयार हो जाएगी, और नहीं तो चाशनी बना के चाशनी मिक्स उन्हें चलाना ज़्यादा देर तक, मतलब दूध डालोगे तो ज़्यादा देर चलाना पड़ेगा, चाशनी जो देगा एक तार की तो वह तुरंत तैयार मिलेगी। ये देखो पूरा बिखर गया एकदम सिक्का। अब आप पानी को निकाल लेंगे, और ये कढ़ाई में मैं चाशनी बना लूँगी। यह मैं एक प्यालो चीनी को ले रही हूँ छोटो मतलब, और आधो पानी को, और वहाँ पर चाशनी बना लूँगी। मेरी आधा किलो गाजर भी, और 250 ग्राम मेरी माओ हो, और जो सूजी की वह मैं अंदाज से ली है 1 से 1.5 मुट्ठी ही, और तिल और नारियल को बुरा दो बीच में वो आगे मैं मिला के दिखाऊंगी। थाने चाशनी मिल जाए, मैं हल्का मीठा भी बना रही, थाने ज़्यादा चाहिए तो फिर थोड़ा और बढ़ा सकूँगी। फिर चाशनी अपनी कंप्लीट तैयार हो गई है एकदम। देखो तार पूरा छूट रहे हैं, देखो कितना तो जोरदार तार बड़े, तार बड़े बस यही निशानी है। इमापा जो गाजर बना के तैयार करी मैं डाल दी हाँ पूरी, और डालने के बाद अपन पूरा मिक्स कर दे। ठंडा के टाइम में बहुत अच्छा नाश्ता तो है, 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं हो बिना फ्रिज के भी। इन्हें पूरा बढ़िया से मिक्स कर लो। चाशनी में डालते हैं, तुरंत बंद नहीं करनी है गैस की फ्लेम ने, जो एकदम जो चम्मच के साथ चावल आ गया उसके बाद बंद करनी है। अब कंप्लीट हो गई है अपनी, बन के तैयार हो गई है रेसिपी। अब बताऊँ मैं इन्हें, एक ट्रे ली हूँ मैं घी लगा के तैयार कर रही थी। देखो बंद करती हूँ गैस को फ्लेम, और इन्हें गर्म नहीं है, एक लेयर दे रही हूँ पूरी। बहुत बढ़िया बर्फी बनेगी, 15 दिन तक स्टोर करके रखो, कोई मेहमान आओ तो उनके लिए तैयार करो फटाक से बनाकर। बराबर बराबर पूरा बराबर कर देना। इसके बाद अपन के करना है, थोड़ो नारियल को बुरा दो डाल देना है ऊपर अच्छी मात्रा में। मकर संक्रांति के ऊपर तरह तरह की मिठाई बनाओ और खाओ। तो ये मेरी भी कुछ छोटी सी रेसिपी ही मैं देखी थाने शेयर करूँ। नारियल को बुरा दो डालने के बाद में आप एक बार ही ना चम्मच से दबाता हुआ, और फिर से एक लेयर डाला। ये देखो
बाकी की बची हुई ना फिर से जमा लू अपन। ये मैं नारियल को बुरा तो डालने के बाद में छोड़ दूंगा। अब ये भुना हुआ तिल है मेरे पास, तो माघ मास में तिल को सेवन जरूर करना चाहिए। मैं अठे ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, खाली तिल ही डाल रही हूँ, ताकि खाने वाला ने भी कौन पता चले कि के चीज से बनाई हुई है। उन्हें भी पूछे वो था ना दो बार कि के चीज से बनाया होते। बढ़िया से मैं तिल देख के और पूरे ना दोबारा से दबा के छोड़ देना बस। फिर लगभग आधा घंटा के बाद थेगी चक्की काटूंगा, बहुत जोरदार चक्की बनेगी। ये देखो दबा दी हूँ, अब आधा घंटा बाद नहीं ना चक्की काट के दिखाऊंगी था। दबा दिए, काटने के लिए एकदम रेडी। ये देखो कितना बढ़िया पीस कटेगा। ये देखो बहुत सुंदर पीस कट रहे हैं। लाजवाब बर्फी तैयार है अपनी। ये देखो कितना सुंदर पीस तैयार हुए।